हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नो अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। चैनल को दोबारा विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा कि आपने देख लिया है, ये जो बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आज ये आर्टिकल आया है और इसका जो रब अप इफेक्ट है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर तो आपने देख ही लिया होगा। जो मीडिया स्टॉक्स है, यानी कि सर जो टेलीविज़न से रिलेटेड जुड़े हुए जो जितने भी सारे स्टॉक्स हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर बज, यानी कि सर धूम मचा रहे हैं। और जो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट जो स्टॉक है वो स्टॉक का क्या ही कहना, वो कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के अंदर है और आज की डेट भी वो स्टॉक लगभग 6 से 6.5% की तेज़ी दिखा रहा है। और ये तेज़ी अगर आप देखेंगे कब से शुरू हो चुका है सर, NDTV ने जब अपना Q3 का जो उनका रिज़ल्ट है उसके ऊपर जो नॉज है वो सारा कुछ जब सामने आया है, उसके बाद से टीवी 18 सारे गवा ये जो जितने भी सारे स्टॉक्स हैं ये रैली करते हुए दिख रहे हैं। और ये भी माना जा रहा है कि ये जो कुछ एक स्टॉक्स हैं, यानी कि सर मीडिया से जुड़े हुए, वो आगे चलकर बात को समझने की कोशिश कीजिएगा सर, आगे चलकर यानी कि सर समय में अगर आप इसको ज़्यादा देखने जाएंगे तो सीधे बात करें तो 1 साल 1.5 साल ऐसा करके, मतलब सर एक दिन के लिए 25% बढ़ जाएंगे, ऐसा कभी भी कोई भी जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है या फिर कह लीजिए इन्वेस्टमेंट फर्म्स है वो नहीं कहते हैं। आगे चलकर यानी कि सर साल भर के लिए कह लीजिए वो 25% तक की रैली दिखा सकते हैं, ये सीधा सीधा आपको समझना होगा। और बाकी अगर आप देखेंगे सर यहाँ पर जो स्पेसिफिक जिस स्टॉक से रिलेटेड ये वीडियो है वो है सर टीवी 18 ब्रॉडकास्ट। तो सर उस स्टॉक के अंदर अगर आपने निवेश करके रखा हुआ है या फिर अगर आप निवेश करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए या फिर मीडियम टर्म के लिए, तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए उसके ऊपर आज हम लोग इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में बातचीत करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। और एक जरूरी बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए। तो देख लेते हैं आगे चलकर कि क्या कुछ टीवी 18 ब्रॉडकास्ट जो स्टॉक है इससे रिलेटेड हमको सुनना, समझना, देखना और करना है। तो जब हम लोग टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का जो ये स्टॉक है इसको जब हम लोग एनालिसिस करने जाएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हम लोगों को पहले क्या देखना होगा सर, कुछ रेशियोज़ होते हैं स्टॉक मार्केट में। अगर आप काम करते हैं तो आपको पता होगा कुछ रेशियोज़ होते हैं, उनके बेसिस के ऊपर हम लोग किसी स्टॉक को ये जज कर सकते हैं कि वो स्टॉक इन लॉन्गर टर्म पीरियड कैसा होगा, इन ए शॉर्ट टर्म पीरियड कैसा होगा, उसके अंदर वॉलिटिलिटी कैसी होगी, वो हम लोग सर्किट फिल्टर को देख कर पता कर सकते हैं। बाकी ऐसे मतलब कुछ की फीचर्स होते हैं जिनको देखकर हम किसी स्टॉक को जज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखने वाली जो बात है सर, यहाँ पर क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू हम लोगों को देखना होगा, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है। तो अगर आप टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के स्टॉक को देखेंगे तो इसका जो बुक वैल्यू है उसके 2.39 के मल्टीपल के ऊपर स्टॉक का जो प्राइस है वो ट्रेड कर रहा है। तो अभी यहाँ पर हम लोगों को पता ये चल चुका है कि जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 2.39 के मल्टीपल पर है। तो ये अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, इन लॉन्गर टर्म पीरियड अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो वो ज़्यादा नहीं है। लेकिन सर यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो बीटा है वो 1 के ऊपर का है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है सर यहाँ पर, जो इसका बुक वैल्यू है वो भी आपको पता चल चुका है सर, 31.23, और जो इसका सर्किट फिल्टर है वो 20% के आसपास का है। मार्केट कैप ये सर हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर से दिखाता है, एक अगर आप देखेंगे 12,700 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है। और इसका जो पिछला रिकॉर्ड है सर स्टॉक का वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप देखेंगे ये स्टॉक, अगर आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, बात को समझिएगा, नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ स्टॉक तो बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है ऊपर। लेकिन सर अगर आप इसको पहले से आज तक में देखेंगे, पहले से आज तक, समझ रहे हैं, यानी कि सर जब स्टॉक लिस्ट हुआ था तब से लेकर अब तक का जो सिचुएशन रहा है वो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा निराश यहाँ पर होना होगा। क्योंकि सर कभी स्टॉक 200 के ऊपर ट्रेड करता था और नीचे की बात करें तो सर स्टॉक 20 रुपये के भी नीचे कभी गया था। और आज अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो आज आपको स्टॉक 70 के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन सर
उसी भाव को अगर आप, वो कहते हैं ना सर कि चार्ट को कभी कभी उल्टा कर देखना पड़ता है सर, तो चार्ट को अगर आप उल्टा करके देखेंगे, यानी कि सर इसका मैं टाइम फ्रेम के ऊपर जो चार्ट हो रहा है सर, टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी कि सर 2007-08 के आसपास जो ये स्टॉक का भाव था उसको अगर आप आज की डेट के साथ कैलकुलेट करेंगे, तो सर आपको पता चलेगा कि स्टॉक ने रिटर्न तो दिया ही नहीं, हमारा जो पैसा है वो पैसा यहाँ पर अभी भी 10% के आसपास नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है। तो सर मैं यहाँ पर आपको बोलना यही चाहूँगा, अगर आप इस बात को सर नोट कर लीजिए, अगर आप TV18 ब्रॉडकास्ट के स्टॉक को ये सोचकर इन्वेस्ट कर देंगे कि ये स्टॉक भी सारेगामा जैसा रिटर्न दे देगा मुझको, ये स्टॉक भी 1200 के जो ऊपर का भाव है वो दिखा देगा, तो सर ऐसा मुझको नहीं लगता कि हो पाएगा। अभी कुछ दिन ये स्टॉक चलेंगे, मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपको टेलीविज़न से रिलेटेड किसी स्टॉक में निवेश करना चाहिए वो, तो वो कौन सा स्टॉक होना चाहिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहाँ पर से पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहूँगा, जब भी आप किसी स्टॉक के अंदर निवेश करें तो आपको उसकी क्वालिटी हमेशा, यहाँ पर आपको उसके साथ कोई भी क्वालिटी के साथ आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं करना चाहिए। और अगर आप क्वालिटी वाइज TV18 ब्रॉडकास्ट के स्टॉक को देखना चाहेंगे तो सर मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अभी भी बहुत सारी कंपनीज के स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप चाहे तो पैसा लगा सकते हैं। डिस्क्लेमर सर मैं देना चाहूँगा, मेरे निजी पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक है और बहुत नीचे के भाव पर है, मुझको सर अगर आप देखेंगे तो 100% के ऊपर का रिटर्न मुझको मिल रहा है। तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिए, उसके बाद निवेश कीजिए। मैं बस आपको ये बोलना चाहूँगा कि हाँ, आप एक छोटा मोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सर वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक बड़ा लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उस चक्कर में है कि इस स्टॉक में मैं निवेश कर दूंगा मेरा पैसा तो मतलब रातों रात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो सर ऐसा मुझको नहीं लगता होगा। ये स्टॉक मेरे हिसाब से सर करेक्शन यहाँ पर बहुत जल्द आ सकता है। देखिए सर, मैं पूरी तरह से गलत साबित हो सकता हूँ, लेकिन ये स्टॉक यहाँ से नीचे भी जा सकता है। तो सर फेयर वैल्यू क्या होगा सर, वो तो हम लोग यहाँ पर पता नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये पोटेंशियल है, ये दमखम है कि जब किसी स्टॉक के अंदर रैली शुरू होती है, किसी सेक्टर के अंदर रैली शुरू होती है, तो सर उसका रिवर्स इफेक्ट हर किसी स्टॉक के अंदर पड़ता है उस सेक्टर से रिलेटेड। तो ऐसा अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा सर, NDTV का जो स्टॉक है वो भी अगर आप देखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं कि ये स्टॉक नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आपको छोटा मोटा अमाउंट आप ऐसे स्टॉक के अंदर निवेश कीजिए, उसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आपका जो कोर इन्वेस्टमेंट है वो इस स्टॉक के अंदर करेंगे, तो वो मुझको नहीं लगता कि एक सही रणनीति होगी। अगर आप मेरी पसंद की बात करें तो सर मैंने कभी भी किसी भी जो कह लीजिए सर स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक के अंदर कोर इन्वेस्टमेंट सर वो नहीं किया सर। अगर आप मेरे से पूछेंगे सर आपका कोर इन्वेस्टमेंट किस स्टॉक के अंदर से, तो सर मैं आपको अभी भी यही कहूंगा भारतीय एयरटेल, ITC, ये सारे स्टॉक मेरे निजी पोर्टफोलियो के अंदर एज ए कोर इन्वेस्टमेंट अभी भी है और आगे चलकर भी हो सकता है रहेंगे। तो सर आपको ऐसे स्टॉक के अंदर ही कोर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे सर, जिनके ऊपर अगर आप देखेंगे जो मार्केट लीडर है, एक तरह से देखेंगे सर वो मार्केट लीडर ही है, बहुत दिनों से है मार्केट लीडर की तरह ही वो काम करता है, ऐसे स्टॉक के अंदर आपको कोर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात सर, आपको लार्ज कैप स्टॉक के अंदर ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट के शुरुआती दिनों के अंदर। हाँ, अगर आप मार्केट में बहुत पहले से तो वो अलग बात है सर, लेकिन आशा करूंगा जितना आपको मैंने यहाँ पर समझाया वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी हेल्प करेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।